हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं करण अम्बाला, एक बार फिर स्वागत है तो आपका आज मेरे भी मैं चैनल टिप्स पर। एंड ट्रिक्स पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। उन सभी के लिए वीडियो, ये बेसिक बिगिनर्स के लिए है, तो होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो भाइयों, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो मैं वीडियोस डाल रहा था। अभी मैंने एक बेसिक टेनिस क्रिकेट के ऊपर एक वीडियो डाली है, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, तो वो बहुत ही ज्यादा पसंद करी है बच्चों ने जो टेनिस क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई फिर से करण भैया आप वीडियो बनाओ टिप्स एंड ट्रिक्स पर। फाइनली मैं कॉलर माइक भी लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में मेरी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी। प्रो क्रिकेटर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बेसिक्स चीजें बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद अभी क्रिकेट सीख रहा हूँ और बहुत अभी मुझे क्रिकेट सीखना है। मैं जितना अभी तक सीख चुका हूँ, जितना अभी मैंने क्रिकेट में जाना है, टेनिस क्रिकेट में स्पेशली, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने अभी तक अचीव करा है, जिस भी मैंने चीजों को यूज करके, तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले देखो, ये एक ग्राउंड नहीं है, एक पार्क एरिया है, और इसमें जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक सिंपल आपको एक मैसेज देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई इसके अंदर आप विकेट नहीं है, मैंने दो ईंटें लगाई है। ये हमारा लेग स्टम्प, मिडल स्टम्प, ये ऑफ स्टम्प, ये वाइड है। अपना कैसे बैटिंग करता हूँ मैं, पहले बचपन में क्या गलती करता था। सबसे पहले जैसे लेग स्टम्प है, मैं जब बचपन में खेलता था तो मैं जो मेरी ये विड्थ है ये टांगों की, ये ज्यादा ओपन रखता था और ऐसे खेलता था। मतलब मैं लेदर को, हम लोग खेलते थे लेदर बॉल से खेलते थे, तो लेदर बॉल की तरह ही मैं टेनिस क्रिकेट के अंदर जितना ज्यादा शफल कर रहे हैं उतना हम अपनी लेग की रेंज को बढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, एक बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बतानी थी कि लोग बहुत ज्यादा, मैंने देखा है जो मेरे पे कमेंट्स आते हैं कि बैट को पकड़ना कहाँ से चाहिए, बैट को लॉन्ग हैंडेड पकड़ना चाहिए, शॉर्ट हैंडेड या मिडल में। तो मैं ये कहता हूँ कि ये टेनिस क्रिकेट है और चाहे लेदर क्रिकेट है, आपको फील आपको कहाँ से अच्छा लगता है। तो जब मैं बचपन में खेलता था, मैं बैट को बहुत क्लोजली पकड़ता था, बहुत, इनफैक्ट मैं तो बैट के पीछे ऐसे उंगली भी लगा देता था कभी कभी, बचपन में ऐसे उंगली लगा के खेलता था। तो बैट को बहुत क्लोज से पकड़ता था, ऐसे झुक के खेलता था, और मैं पीछे के शॉट मारते वक्त या ऐसे, या फिर लॉन्ग हिटिंग करते हुए या साइड हिटिंग करते हुए बहुत क्लोजली बैट पकड़ता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी रिवर्स शॉट और पीछे के शॉट खेलते हुए बैट को बहुत क्लोजली पकड़ता हूँ। और देखिए, इसको कहते हैं आत्मविश्वास। और आते ही कई बैट्समैन ऐसे होते हैं या कई लंबे होते हैं कि जिनको ज्यादा झुक के खेलना पसंद नहीं होता, तो भाई वो लॉन्ग हैंडेड पकड़ते हैं और खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर करते हैं। सुविधाओं को खड़े किए हैं आप लोगों के लिए इलाइट कप में। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। स्ट्राइक्स, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, और जैसे कॉपी बुक पे मैं बिलीव नहीं रखता हूँ पर्सनली कि बैट को इसी इतने पर्टिकुलर एरिया से पकड़ना चाहिए, या बैट को कि कोई लॉन्ग हैंडेड पकड़ते हैं, कोई शॉर्ट हैंडेड पकड़ते हैं। तो मैं तो भाई मिडल से बैट पकड़ता हूँ, मिडल, ना ज़्यादा दूर ना पीछे। और हाँ, पहले मैंने ना कई वीडियोस देखी थी और कई अकेडमीज में सुना था ऐसा कि आपका जो हेड पोजीशन है वो ऐसे रहना चाहिए खेलते वक्त, मतलब बिल्कुल अलाइन रहना चाहिए, बट भाई पर्सनली मेरे ऊपर ये सूट नहीं करता। तो ये आपको देखना चाहिए कि आपके ऊपर क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। तो मैं टेनिस क्रिकेट खेलते वक्त हमेशा ऐसे रहता हूँ, थोड़ा सा ऐसे रहता हूँ, ज्यादा मैं लाइन पे नहीं देखता हूँ, और इनिशियल मूवमेंट लेकर बैट को घुमाता हूँ। और कई बैट्समैन है बहुत क्रिकेटिंग स्टाइल में खड़े होते हैं बट वो उतने अच्छे रन नहीं है। मेन मैटर करता है भाई परफॉर्मेंस, आपके रन लगने। तो ज्यादा भी क्रिकेट कॉपी बुक में मत जाओ, ज्यादा किसी को कॉपी मत करो। जैसे मेरा स्टांस है तो मुझे भी कॉपी मत करो, आप अपना स्टांस बनाओ, क्या आपको पसंद है और क्या आपको फील किसमें आ रहा है, जिसमें रन जिसमें ज्यादा हो रहे हैं, जिसमें आप बॉडी बॉल पे जल्दी पहुंच रहे हो, बॉल पे सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल पे आंख रख कर खेल रहे हो आप। जब मैं बैटिंग करता हूँ तो ये लेग स्टंप है, अब तो मैं पूरा विकेट विकेट के ऊपर पैर ऐसे खड़े होकर, आपने मेरी बहुत वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, ऐसे खड़ा होता हूँ और बैट को काफी टाइट पकड़ता हूँ मैं, बहुत ऐसे टाइट, बहुत टाइट। ये मैं स्लॉग ओवर्स की बात कर रहा हूँ, जब मुझे हार्ड हिटिंग करनी होती है, बैट को बहुत टाइट पकड़ के। और कई बैट्समैन मैंने देखे हैं टेनिस क्रिकेट के अंदर जो शफल करके खेलते हैं ऐसे, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन भी हैं, छोटे बैट्समैन, बहुत बैट्समैन है, बट पर्सनली शफल करके खेलना मेरे ऊपर सूट नहीं करता। मैं जितना हो सकता है शफल एक बार करता हूँ, उसके बाद मैं स्टेबल हो जाता हूँ और उसके बाद मैं अपना इनिशियल मूवमेंट लेकर बॉल को हिट करता हूँ। बल्ले से रन,
अभी तक 6 छक्के उनके बल्ले से आते हुए। तो कई शफल इसलिए करते हैं कि वो ऑफ साइड की बॉल को इजीली अपने जोन में लाके मार दें लेग साइड में। मेरा पर्सनली क्या है, मैं एक बार शफल करता हूँ, उसके बाद अगर बॉल ऑफ में भी आ गई तो मैं ऑफ में ही मार देता हूँ। इस बार एक्स्ट्रा कवर पर भागने की जरूरत। ये मेरे ऊपर सूट करता है, अगर आपकी ऑफ की रेंज अच्छी नहीं है, आप ऑफ में अगर स्लाइस मारते हो तो आप ज्यादा शफल करके भी आकर, ज्यादा शफल आकर बॉल के नीचे आंख घुमा के खेल सकते हो। या भाई सा फटका सुरेखा है आणि चेंडू निघून येतो सर स्टँड। तो ये तो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है बॉल पर कैसे खेलना है कैसे नहीं है, बाकी आप अपने ऊपर काम करो। और हाँ एक चीज़ और, मैं बचपन में जब खेला करता था तो मैं अपनी वीडियोस बहुत बनवाता था अपने फ्रेंड से और अपने आप को देखता था खेलता हुआ। अभी जैसे लाइव आ चुके हैं, लाइव नहीं है, अगर आप घर पे हो, अगर आप लाइव क्रिकेट नहीं खेलते, बड़ी क्रिकेट नहीं खेलते, बड़े टूर्नामेंट्स नहीं खेलते, तो आप अपनी वीडियोस बनवाओ और उसमें अपनी गलतियों को देखो। मेरा बताने का मतलब भी यही है कि जो आपको फील अच्छा है वो करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उस चीज़ पर काम करोगे और बस अपने ऊपर बिलीव रखकर मेहनत करते रहो, सिंपल है। और अपने जो आसपास के लोकल टूर्नामेंट्स है उसमें अच्छा करो और ऐसे ही आप फिर धीरे धीरे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करते हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप अपने स्टेट में अच्छा करते हो, स्टेट के बाद आप बाहर भी बुलाए जाते हो। तो यही टेनिस क्रिकेट है, डेवलपिंग चीज़ है टेनिस क्रिकेट। अभी इसके अंदर अगर आप अभी आओगे तो आप काफ़ी आगे जा सकते हो और बहुत लोगों का करियर इसमें बन चुका है और बना भी रहे हैं। ये बिगिनर्स के लिए है और प्रो प्लेयर्स भी इसको देख सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और वीडियोस में लाता रहूँगा ऐसी, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, अपने आप को लाइव देखना, अपने आप को बोलते हुए देखना, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। तो आप भी अपने आप से प्यार करो, अपने स्टांस पे बिलीव रखो और अपनी गेम को प्यार करो, अपने स्टाइल को प्यार करो, अपने एक्शन को प्यार करो, बिलीव करो और खुश रहो। थैंक यू।